इस वक्त हमारा टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इट नीड्स टू बी डिज़ाइंड डिवेलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू फैसिलिटेट नॉलेज मैनेजमेंट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहेंगे तो नॉलेज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसे यूज़ेबल बनाने के लिए और उसके यूज़ को पॉसिबल बनाने के लिए हमें एक आर्किटेक्चर की शक्ल में उसको ऑर्गेनाइज करना होगा uh, एक ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर जो नॉलेज मैनेजमेंट का होता है उसकी थ्री लेयर्स या थ्री लेवल्स होते हैं उसमें सबसे पहले डेटा लेयर है अब डेटा लेयर में क्या होता है इट इज़ द यूनिफाइंग एब्सट्रैक्शन अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विद पोटेंशली डिफरेंट स्टोरेज मेकनिज़म्स इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं डेटाबेस बेस है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वीडियोज़ हैं आडियोज़ हैं या डेटा की और भी जितनी शक्लें हैं तो ये सारी शक्लें डेटा की जो हैं वो डेटा लेयर के लेवल की होंगी उसके बाद प्रोसेस लेयर है प्रोसेस uh, लेयर क्या करता है इट लिंक्स द डेटा विद इट्स यूज़ एंड इट्स यूज़र्स यानी ये वो प्रोसेसेस हैं कि जो डेटा को यूज़र के साथ अप करते हैं अदर पीपल और अदर सिस्टम्स हो यूज़ दैर डेटा इसके बाद तीसरी एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एसेट्स ऑफ द कंपनी वाया द लॉजिक इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोसेस लेयर के प्रोसेस लेयर में जो लॉजिक डिसाइड हुई उस लॉजिक के मुताबिक जो है वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है और इस इंटरफेस के ज़रिए से यूज़र जो हैं वो उस सिस्टम से रता करते हैं और वहाँ से अपनी क्यूरी भेज के इंफॉर्मेशन uh, या नॉलेज को कलेक्ट करते हैं इसी आर्किटेक्चर को हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक डेटा लेयर है डेटा uh, लेयर में एक मेटा डेटा का कंसेप्ट है मैटर डेटा को डिफाइन करते हैं द डेटा अबाउट डेटा इस पर नेक्स्ट uh, जाके हम इसकी तफसील भी बयान करेंगे इसमें आप देखिए कि इसमें डेटा सोर्सेस हैं डेटा टाइप्स हैं डेटा फॉर्मेट्स हैं अब सोर्सेस मुख्तल तरह के हो सकते हैं डेटा आना कहाँ कहाँ से है इसकी डिफ़रेंट टाइप्स हो सकती हैं ये टेक्स्ट हो सकता है ये क्वालिटेटिव नेचर का हो सकता है इसके साथ साथ इसका फॉर्मेट हो सकता है कि ये ऑडियो है वीडियो है पिक्चर है या रॉ डाटा है इसमें किस किस्म का डाटा जो है वो शामिल है उसके बाद इसमें प्रोसेस लेयर है प्रोसेस लेयर में डिफरेंट प्रोसेस बयान किए गए हैं कि जो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ के काबिल बनाते हैं इसमें देखिए हेल्प सिस्टम है इसमें लोकेट एक्सपर्ट्स का सिस्टम है एक्सपर्ट्स की एक लिस्ट होगी इसमें इसमें बिज़नेस प्रोसेस को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है इसमें फिर फाइंड एसोसिएशन का मतलब है डाटा के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके दरम्यान एसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करनी है इसके अलावा अलर्ट टू न्यू फैक्टर्स कि किसी कंपनी के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उस पर अलर्ट्स का एक सिस्टम बनाना तो इस किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो प्रोसेस लेयर में होंगे और इन दोनों लेयर्स का जो ताल्लुक़ है वो फिर यूज़र इंटरफेस के साथ है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस लेयर लिखा हुआ है और इसमें आप देखिए कि यूनिफाइंग यूज़र इंटरफेस है और इसके एक तरफ़ यूज़र के प्रोफाइल्स हैं कि उनकी इंडिपेंडेंट या उनकी पर्सनलाइज नीड्स क्या हैं और दूसरी तरफ जो है वो यूज़र के व्यू करने का एक सिस्टम बनाया जाता है कि यूज़र किस तरीके से अपनी क्यूरी पुट करेगा उसके सामने कौन सी स्क्रीन आएगी और सिस्टम जो है वो उसको किस तरीके से रिजल्ट्स देगा तो एक इस तरह का जो है वो इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है तो इस तरीके से हम एक के एम के ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं अब यहाँ कंसेप्ट आया था मेटा डाटा का तो मेटा डाटा की जो डेफिनेशन है मैंने बताई डेटा अबाउट डाटा फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप्स विद अदर कंटेंट एंड एंड अदर नॉलेज ऑब्जेक्ट्स कि जो कुछ भी वहाँ डेटा मौजूद है वो जिन फाइल्स की शक्ल में मौजूद है उन फाइल्स का एक तरह का ये कैटलाग है उसमें उन उन फाइल्स की एक डिस्क्रिप्शन है जैसे किसी लाइब्रेरी में एक कैटलाग होता है या किसी प्रोडक्ट्स की लिस्ट का एक कैटलाग होता है उसी तरह से कंप्यूटर साइंस की अतलाह में इस किस्म के कैटेलाग को मेटा डाटा बोलते हैं मेटा डाटा में शामिल क्या होता है मेटा डाटा इनकम पासिस इंफॉर्मेशन अबाउट फिज़िकल स्ट्रक्चर्स डेटा टाइप्स एक्सेस मैथड्स एंड द एक्चुअल डाटा एक्चुअल कंटेंट और एक्चुअल डाटा एक्चुअल डाटा भी है और उसके बारे में उसके बारे में मज़ीद तफसल कि उसकी टाइप क्या है उसका फॉर्मेट क्या है उसको एक्सेस कैसे करना है एक्सेसिंग का अगर कोई यू या कोई एड्रेस है तो वो वहाँ पर होगा तो मेटा डाटा की मदद से ही इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको एक्सेस किया जाता है